हो गई है जिससे हमें और भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कोरोना हाट की ओर से दिए गए मास्क, साबुन और काढ़े का यूं इस्तेमाल करें, लोगों से दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बच्चों, बीमारी के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इंडिया टीवी पर सुबह 7:57 से लेकर 8:30 बजे तक बाबा रामदेव जी का योग प्रोग्राम आता है। बच्चों, आपने उसे देखना है, देखते हुए अभ्यास करना है, अभ्यास करते हुए अपनी अध्यापकों को फोटो भेजनी है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशों की पालना करते हुए भारत में बनाई जाने वस्तुओं का इस्तेमाल करना है जिससे हम अपने भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बना सकें। आज तिथि 25 अगस्त 2020 दिन मंगलवार को मैं सबके लिए जीके का टास्क लेके आई हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम नर्सरी क्लास का टास्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। माय नेम इज, मेरा नाम। बच्चों, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है। माय फादर नेम इज, मेरे पिताजी का नाम। यहाँ पे बच्चों आपने अपने पिताजी का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपके माताजी का क्या नाम है। माय मदर नेम इज, मेरी माताजी का नाम। यहाँ पे अपने माताजी का नाम लिखना है। इन क्वेश्चन नंबर 4, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, नर्सरी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। बच्चों, सेम यही कार्य आपके माता पिता जी ने भी करना है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। फॉर LKG क्लास GK, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर NGO, हमारी संस्था का क्या नाम है। आंसर में आएगा नोवर फाउंडेशन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चेयरमैन सर, हमारे चेयरमैन सर जी का क्या नाम है। आंसर में आएगा मिस्टर राजेंद्र शर्मा सर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कोऑर्डिनेटर, आंसर में आएगा मिसेस मीनाक्षी शर्मा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का क्या नाम है। आंसर में आएगा इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय झंडा का क्या नाम है। आंसर में आएगा तिरंगा और ट्री कलर। बच्चों, आपने इससे पढ़ना है, लिखना है, याद करना है, अपनी कॉपी पर उतारना है। टास्क फॉर UKG क्लास GK, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माउंटेन कवर्ड विद, पहाड़ किससे ढका हुआ है। आंसर में आएगा स्नो, बर्फ से। सेकंड क्वेश्चन, नेम टू व्हीकल्स, आवाजाही के दो साधनों के नाम बताएं। आंसर में आएगा कार और बस। थर्ड क्वेश्चन, नेम टू वाटर बॉडीज, आंसर में आएगा बोट एंड शिप्स। फोर्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ टू लेदर प्रोडक्ट, चमड़े से बनाई जाने दो वस्तुओं के नाम बताएं। आंसर में आएगा बैग्स और शूज। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ टू एनिमल विच कैरी लोड्स, उन जानवरों के नाम बताएं जो पार्ट को उठाते हैं। आंसर में आएगा हॉर्स एंड डोंकी। बच्चों, आपने इनको पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। हम फर्स्ट क्लास का GK का टास्क करेंगे, यूनिट 13, एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल होते हैं समुद्री जानवर। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, कुछ जानवर जो पानी में रहते हैं, दे आर एक्वेटिक एनिमल, उन्हें हम समुद्री जानवर कहते हैं या जलीय जानवर कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे पहली पिक्चर है हमारी फिश। क्या है फिश, फिश का मतलब होता है बेटा मछली। सेकंड पे है फ्रॉग, फ्रॉग होता है मेढक। थर्ड पे व्हेल, यह है व्हेल मछली। फोर्थ पे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल है मगरमच्छ। फाइव पे है डॉल्फिन, डॉल्फिन को हम डॉल्फिन ही कहते हैं। सिक्स नंबर पे हमारा है वॉलरस, इसको हम वॉलरस ही हैं। यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चन है, विच एनिमल इज लिव इन वाटर एंड लैंड, वो कौन सा जानवर है जो पानी के अंदर और बाहर जमीन पर रह सकता है। तो फ्रॉग्स लिव इन वाटर एज वेल एज इन लैंड, जो मेढक है वो पानी के अंदर और बाहर जमीन पर भी रह सकता है। बच्चों लैंड है, लैंड का मतलब होता है ज़मीन। विच एनिमल इज़ द वन दैट डाइज आउट ऑफ द वाटर, वो कौन सा जानवर है जो पानी से बाहर आते ही मर जाता है। ए फिश डाइज व्हेन इट इज़ टेकन आउट ऑफ वाटर, मछली जो है वो पानी से बाहर आते ही मर जाती है। वो इज़ द लार्जेस्ट सी एनिमल,
सबसे बड़ा समुद्री जानवर कौन सा है? वेल इज़ द लार्जेस्ट सी एनिमल। वेल जो है वो सबसे बड़ा समुद्री जानवर है। सी का मतलब होता है बच्चों समुंदर, लार्जेस्ट का बड़ा। विच एनिमल इज़ दैट कैन बी टेम एंड ट्रेंड, वो कौन सा जानवर है जिसे हम अपने वश में और प्रशिक्षित कर सकते हैं? डॉल्फिन कैन बी टेम एंड ट्रेंड, डॉल्फिन को अपने वश में किया जा सकता है और प्रशिक्षित किया जाता है। बच्चों आपने ये इसको अच्छे से लर्न करना है, अपनी कॉपीज़ में लिखना है और इसकी तस्वीर आपने खींच के अपनी कक्षा अध्यापिका को भेजनी है। तो हम सेकंड क्लास का जीके का टास्क करेंगे, यूनिट नंबर 11, डिफरेंट क्रॉप्स, मतलब विभिन्न फसलें। मैनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया, भारत में बहुत अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पर हमारा है वीट, वीट होता है गेहूँ। सेकेंड पर है मेज, मेज मतलब होता है मक्का। थर्ड नंबर पर है टी, टी होती है चाय। फोर्थ नंबर पे है रबड़, रबड़ का रबड़। फिफ्थ नंबर पे है हमारा कॉटन, कॉटन का मतलब होता है कपास। सिक्स नंबर पे है कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम कॉफ़ी ही कहते हैं। सेवन्थ पे है पैडी, पैडी होता है धान। एट नंबर पे है ज्वार, ज्वार को ज्वार ही कहते हैं। यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए, जैसे वेयर इज़ टी ग्रोन, जो चाय है वह कहाँ उगाई जाती है? टी इज़ ग्रोन इन असम, नीलगिरी हिल्स एंड वेस्ट बंगाल। चाय जो है वो असम, नीलगिरी की पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। वेयर डू वी गेट शुगर, हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, हमें चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। व्हाट आर टायर्स एंड ट्यूब्स मेड ऑफ, टायर एंड ट्यूब किसके बने होते हैं? टायर एंड ट्यूब्स आर मेड ऑफ रबड़, टायर एंड ट्यूब्स जो वो रबड़ के बने होते हैं। फ्रॉम वोम डज राइस गेट, हमें चावल कहाँ से प्राप्त होता है? राइस इज ऑप्टेंड फ्रॉम पैडी, जो चावल है वो हमें धान से प्राप्त होता है। बच्चों पैडी को हम धान कहते हैं। इसको आपने अच्छे से अपनी कॉपीज़ में लिखना है, लर्न करना है और इसकी तस्वीरें खींच के अपनी कक्षा अध्यापिका को भेजनी है। बच्चों अब हम थर्ड क्लास का जीके का टास्क करेंगे, यूनिट 11, अवर सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। यहाँ पे बच्चों पिक्चर्स दी गई है। फर्स्ट नंबर पे है आइज, हेल्प अस टू सी, जो आँख है वह हमें देखने में सहायता करती है। एयर हेल्प अस टू हियर, कान जो है वो हमें सुनने में सहायता करते हैं। टंग हेल्प अस टू टेस्ट, जो जीभ है उससे हम किसी चीज़ का स्वाद ले सकते हैं। नोज हेल्प अस टू स्मेल, जो नाक है वह हमें सूंघने में सहायता करती है। स्किन हेल्प अस टू फील, जो चमड़ी है वो हमें किसी भी चीज़ का ठंडा या गर्म होने का अनुभव कराती है। बच्चों इसको आपने अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है और याद करना है, सुंदर लिखना है। बच्चों हम फोर्थ क्लास का जीके का टास्क करेंगे, फोर्थ क्लास में यूनिट 11, फर्स्ट इन इंडिया। वो वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी? आरती साहा। वो वॉज द फर्स्ट मैन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मिहिर सेन। वो वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, राज्य की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। वो वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, भारत की पहले प्रधानमंत्री महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। वो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विन नोबल प्राइज, नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। वो वॉज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, पहली आईपीएस ऑफिसर महिला कौन थी? किरण बेदी। वो वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट, राज्य की पहली गवर्नर महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। वो वॉज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के पहले नागरिक कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। वो वॉज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, स्पेस पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। विच वॉज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, भारत में पहली रेल कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। वो वॉज द फर्स्ट एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायुसेना में पहले एयर मार्शल कौन थे? अर्जुन सिंह। बच्चे इस सब क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखने हैं और इसके पिक्स अपनी कक्षा अध्यापिका को भेजनी है। बच्चों फिफ्थ क्लास के बच्चों ने भी सेम यही टास्क करने हैं, यही क्वेश्चन आंसर करने हैं और उन्होंने भी इसको अच्छे से लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्री विनय कुमार झा सर जी का और नंबर फाउंडेशन के फाउंडर श्री रजनी शर्मा जी का और दानी सज्जनों का तहे दिल से